नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, बड़े बड़े डॉक्टर भी इस औषधि का प्रयोग करते हैं और बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने इस औषधि की प्रयोग अपनी अपनी किताबों में जरूर लिखा है, इसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है। तो अपने फायदे के लिए एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की इस वीडियो में बताया गया जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि जो भी आप वीडियो को देखते हैं तो अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं दोस्तों। और स्वयं जो हम उपचार सिखाते हैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से, नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकते हैं। और आप लोगों को हम जो भी औषधि प्रयोग सिखाते हैं इसका जो दोस्तों आप जो जन कल्याण कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। हमारे वीडियो को देख करके आप भी घर का वैद्य बन सकते हैं, लाखों रुपए को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखा करें, आधे बीच में छोड़ करके मत जाया करें, क्योंकि अधूरे ज्ञान खतरनाक होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो से सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और आप सभी लोगों को आयुर्वेद के हम उपचार सिखाते हैं, आयुर्वेदिक दवा को सिखाते हैं, ताकि इन सब पेड़ पौधे को आप भी समझे, आप भी सीखे और आने वाले टाइम में इन पेड़ पौधों की प्रयोग करके बहुत सारे पैसा को बर्बाद होने से बचा सके, स्वयं की जो है आप आयुर्वेदिक उपचार कर सके। तो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह है कचनार। जी हाँ दोस्तों, कचनार के पौधे आप बिल्कुल ही जरूर सुने होंगे। और रेशे से रस्सी इसे बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके जो रेशे रहती हैं इसे रस्सी बनाई जाती है। इसके जो पत्ती होती हैं इसका साग भी जो सब्जी होते हैं भी बना करके खाए जाते हैं, काफी स्वादिष्ट होते हैं। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है थोड़ा सा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हमें भी पता हो। तो आइए इसका प्राकृतिक उपचार आप सभी मित्रों को सिखाता हूँ। थोड़ी भी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले तो ये सिर के दर्द को ठीक करते हैं दोस्तों। इसके छाल को पीस करके मस्तक पर लगाने से हर प्रकार के सिर के दर्द ठीक हो जाते हैं। लाल कचनार की सूखी टहनी को, राख या कोयले को, इसके जो कोयले जला करके दांतों पर अगर मंजन किया जाए तो दांत के दर्द ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, संदेह नहीं है। इसके बाद खांसी की बीमारी ठीक करने के लिए इसके फूलों का काढ़ा बना करके पीने से खांसी ठीक हो जाते हैं। मूत्र साफ नहीं हो रहे हैं तो 10 से 20 ml इसके फूलों का काढ़ा बना करके पीने से, छाल भी मिला देने हैं आपको, तो बिल्कुल ही जो मूत्र साफ हो जाते हैं। खून भी साफ करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मासिक धर्म विकार है तो इसके फूल का काढ़ा बना करके पीने से अत्यधिक अगर रक्त स्त्राव हो रहे हैं तो रक्त स्त्राव होना बंद हो जाते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में भी आप सभी दर्शकों को बताया था कि गंठमाला रोग को ठीक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लाल कचनार के छाल के 20 ml काढ़े में 1 ग्राम सोंठ का चूर्ण मिलाकर के सुबह शाम पिला देने से गले की कंठ, जिसे हम एक प्रकार की ग्वाटर की बीमारी बोलते हैं दोस्तों बोलचाल की भाषा में, वह ठीक हो जाते हैं। पेट के कीड़े मारने के लिए इसके जड़ तथा इसके पत्ते का काढ़ा बना करके 10 से 20 ml की मात्रा में पिला देने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर और भी कोई आप इसके औषधि लाभ जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप द्वारा बताया गया जानकारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी में साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।